हालेलुया, प्लीज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा आज का पवित्र वचन है, परमेश्वर की योजना सफल होती है। जैसे निर्गमन 16 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा, तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी, इसीलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ बिहान तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा, तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मनुष्य जो अपने मन में योजना बनाता है वह कभी भी सफल नहीं होती, पर परमेश्वर की योजना हमेशा सफल होती है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा के ले जा रहा था तो जंगल में खाने की कोई भी चीज नहीं थी, और परमेश्वर ने बोला था कि मैं अब आकाश से खाने के लिए इनको भोजन दूंगा। जब वह मन्ना उनके लिए आकाश से गिरता था तो परमेश्वर ने बोला था कि एक अहेर हर दिन एक व्यक्ति के लिए इकट्ठा करना, मतलब कि 1 किलो एक एक व्यक्ति के लिए। परमेश्वर ने बोला था कि तुम 6 दिन मन्ना इकट्ठा करना और 7वें दिन इकट्ठा ना करना, 7वें दिन के लिए 6 दिन ही इकट्ठा करना, पर बाकी दिन कभी भी इकट्ठा ना करना। मेरे प्रियो, इस्राएलियों ने परमेश्वर की योजना के साथ अपनी योजना को भी लगाया। वह उस दिन भी मन्ना इकट्ठा करते थे जिस दिन परमेश्वर ने उनको इकट्ठा करने के लिए नहीं बोला था, और उनका यह मन्ना खराब हो जाता था, उसमें कीड़े पड़ जाते थे। पर जब वह परमेश्वर की योजना के अनुसार जिस दिन परमेश्वर ने उनको दुगना इकट्ठा करने के लिए बोला था, वह समय खराब नहीं होता था, क्योंकि परमेश्वर की योजना ही हमेशा सफल होती है, मनुष्य की नहीं। मेरे प्रियो, आज ऐसे ही आपके जीवन में भी परमेश्वर की योजना है, पर जब आप परमेश्वर की योजना को छोड़ अपनी योजना को पूरा करने में लग जाते हैं, जो काम परमेश्वर आपको करने के लिए बोलता है वह आप नहीं करते, आप अपनी मर्जी से काम करना शुरू करते हो, तो वह सफल नहीं होते। पर जब आप परमेश्वर की योजना के अनुसार उसकी मर्जी के अनुसार काम करना शुरू करते हो, फिर आप आशीषित होते हो। यह कैसे पता चलता है कि परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपके ऊपर जाहिर करता है। जैसे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन लोगों को बताया था, अपनी योजना को परमेश्वर लोगों पर जाहिर किया था, पर जब आप परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं चलते और फिर आप अपनी गवाही को नहीं ले पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गवाही को हासिल करें, आप अपनी आशीषों को पाए और आप अपने कारोबार में सफल हो, तो परमेश्वर की योजना में बने रहे और उसके अनुसार ही चले, अपनी योजना के अनुसार ना चले, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमेशा सफल होती है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सफल करे। आमीन, आमीन। अंगीकार, यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपनी योजना के अनुसार नहीं, बल्कि आपकी योजना के अनुसार ही अपनी जिंदगी को बिताऊंगी, ताकि आप मेरी जिंदगी में
आशीषों को दे सके और सफल कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। प्लीज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू सबको जय मसीह की।